दोस्तों आज हमारी वीडियो एडिटिंग की 9th क्लास है। आज की क्लास में आपको सिखाने वाला हूँ वीडियो में वॉइस ओवर कैसे करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे, लोग YouTube पे वीडियो बना करके हजारों लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, हाउसवाइफ है या फिर आप स्टूडेंट हैं, तो अगर आप वीडियो में वॉइस ओवर करना सीख जाते हैं तो आप भी घर बैठे हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, जो काम आप डेली करते हैं आप उसी काम को करिए। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। दोस्तों मैं आपको एक चैनल दिखाता हूँ, यहाँ पे YouTube पे एक चैनल है बिनुनाथ 112। इन्होंने अपने YouTube चैनल पे 2 महीने में सिर्फ 56 वीडियो अपलोड किया हुआ है और इनके सब्सक्राइबर आप यहाँ पर देख सकते हैं 655,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और ये वीडियो कैसे बनाते हैं मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ। आज सुबह सुबह जल्दी उठकर बिना सपाटे मारे मैं आकर नीम पर चढ़ गया। नीम की टहनी तोड़कर नीम की दातुन अपने दांतों में घिसकर पाइप पकड़कर खेत में नहा लिया। वाह क्या लाइफ है गांव की। अब मैं तो जिस काम को डेली करता है उस काम को सिर्फ वीडियो से रिकॉर्ड कर लिया और उस वीडियो के ऊपर अलग से आवाज डाल दिया। इसी को बोलते हैं वॉइस ओवर करना। दोस्तों YouTube पे मेरा भी एक चैनल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मिनी ब्लॉग सोर्स 111। इसमें आप देख सकते हैं कि डेली में जो भी काम करता हूँ उसे रिकॉर्ड करके YouTube पे डाल देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे कल ही एक वीडियो डाला था जिसमें 8,000 व्यूज है। यहाँ पे कई सारी वीडियो में आपको कोई भी एक वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। आज छुट्टी का दिन था, सोच रहा था कहाँ घूमने के लिए जाऊँ, तभी मेरे फोन पे एक रिश्तेदार का फोन आया जिन्होंने कहा कि आज बर्थडे में आना है। मैंने कहा ठीक है मैं बर्थडे में आ जाऊंगा, काफी खुश हुआ और अपनी वाइफ को तैयार होने के लिए बोल दिया। मैं पहले से तैयार होकर बैठा हुआ था, तभी उसने मुझे देखा और कहा कि आप तो मेरे से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मेरे दोनों बच्चे तैयार हो। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि जो भी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ या जो भी मैं एक्शन कर रहा हूँ उसे सिर्फ कैमरे से रिकॉर्ड कर दिया और उस वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर करके मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। दोस्तों यूट्यूब से भी मेरी अच्छी खासी इनकम है, तो मैं आप लोगों को भी सिखाना चाहता हूँ किस तरीके से वीडियो में वॉइस ओवर करते हैं। और ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि वॉइस ओवर क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था, लेकिन वीडियो को देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कोई भी कैमरे से एक वीडियो रिकॉर्ड करना है, उसमें कुछ बोलना नहीं है ना ही आपको कुछ करना है। जो काम आप डेली करते हैं उसी काम को आपको करना है और वीडियो के ऊपर आपको अलग से आवाज डाल देना है, इसी को कहते हैं वॉइस ओवर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वॉइस ओवर करते हैं। दोस्तों आज हमारी वीडियो एडिटिंग की 9th क्लास है, मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था किसी भी वीडियो में स्प्लिट स्क्रीन का यूज कैसे करते हैं, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ वीडियो में वॉइस ओवर करना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ वीडियो कैमरे से रिकॉर्ड किया हुआ है, यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी आवाज नहीं है। देखिए किसी का कॉल आया मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया, फिर मैं यहाँ पर जिसका कॉल आया था मैं उसके घर पहुंचा इसे मैंने रिकॉर्ड कर लिया, वहां पर जाते ही मुझे कुछ खाने के लिए मिला मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया। तो अब इसके ऊपर मुझे वॉइस ओवर करना है, तो वॉइस ओवर करने के लिए कुछ नहीं करना दोस्तों, पहले आप कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए और उसे आप इंपोर्ट करके फिल्मोरा सॉफ्टवेयर के अंदर लेके आ जाइए। पहले आप उसे एडिट कर लीजिए कि आपको उसमें कितना बोलना है, उतना ही वीडियो आपको यहाँ पे एडिट करके रख लेना है। और उसके बाद अगर वीडियो में कोई पहले से आवाज है उसे हटाने के लिए आपको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और एक ऑप्शन आपको मिलेगा डी अटैच ऑडियो, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल अल्ट डी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी इसमें ऑडियो होगा वो आपका हट जाएगा और उसे सिलेक्ट करके आपको क्या कर देना है डिलीट जो वीडियो के अंदर आवाज पहले से है। फिर आपको अपनी आवाज को रिकॉर्ड करना है जो आप इस वीडियो के ऊपर बोलना चाहते हैं। कैसे आप बोलेंगे, तो अगर आपके कंप्यूटर के अंदर माइक्रोफोन लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे कंप्यूटर में माइक्रोफोन लगा हुआ है, तो यहाँ वीडियो प्ले करके जो भी मुझे वीडियो में बोलना होगा मैं यहाँ पे बोल करके रिकॉर्ड कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोफोन नहीं लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, आप अपने फोन से आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप भी आवाज को रिकॉर्ड करेंगे। आपको अपने फोन के अंदर आवाज रिकॉर्ड करने का जो रिकॉर्डर दिया हुआ है उसे आपको ऑन करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा मेरा मोबाइल फोन, यहाँ पे रिकॉर्डर दिया हुआ है इस पे मैंने क्लिक कर दिया। और यहाँ पर मैं रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले यहाँ वीडियो को मैं प्ले कर देता हूँ अपने यहाँ पे फिल्मोरा सॉफ्टवेयर के अंदर, और यहाँ पर रिकॉर्डिंग का बटन है मैं इस पे क्लिक करके आवाज को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो पहले मैंने वीडियो को प्ले कर दिया कीबोर्ड से स्पेस की प्रेस करके। आज सुबह सुबह मेरे चाचा का फोन आया कि घर पे बहुत ही अर्जेंट काम है जल्दी आ जाओ, तो मैंने कहा ठीक है आ रहा हूँ। दोस्तों जितना रिकॉर्ड आपको करना उतना रिकॉर्ड करके आप वहाँ पे वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर आगे का सोच लीजिए आपको क्या बोलना है। जैसे कि यहाँ पे मैं आगे उनके घर पे पहुंचा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा फिर मैं उनके घर पे पहुंचा। घर पे पहुंचने के बाद जो भी आगे हुआ है जो आपने यहाँ पे दिखा रखा है वीडियो के अंदर पहले आप सोच लीजिए, फिर यहाँ वीडियो को प्ले करके फिर बोलिए। घर पे जाते ही मुझे चाय मट्ठी मिला, मैंने वहाँ पे चाय मट्ठी खाया। तो देखिए मैंने यहाँ पे इतना बार रिकॉर्ड कर लिया है अपने फोन के अंदर और अब मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ सेव। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, ये वीडियो रिकॉर्डिंग है 35 पे, और इसे मैं अपने कंप्यूटर में लेके आ जाता हूँ। फिर मैं यहाँ पे उस आवाज़ को जो मैंने इसमें रिकॉर्ड किया हुआ है उसे यहाँ पे मैं एडिट करके और अपने वीडियो में यहाँ पे एड कर दूंगा। तो कैसे एडिट करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इसमें जो भी मैंने आवाज़ रिकॉर्ड किया हुआ है इसे मैं अपने कंप्यूटर में लेके आ जाता हूँ डाटा केबल से। डाटा केबल मैंने अपने कंप्यूटर से लगा दिया है और फ़ोन के अंदर भी मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। अब मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र फोटोज़ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद मेरा जो मोबाइल फ़ोन का जो डाटा है यहाँ पे कंप्यूटर में आ गया है ओप्पो F17, और इसे मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ
हूँ। जैसे मैं यहाँ पे चला गया अपने फोल्डर में, ये दिया हुआ ऑडियो और ये जो फाइल है इसे मैं सिलेक्ट करके यहाँ से कर देता हूँ मूव, और यहाँ डाल देता हूँ मैं अपने इंटरनल स्टोरेज में। यहाँ पे दिया हुआ है DCIM, मैंने इसके अंदर एक फोल्डर बना रखा है। आप भी अपना एक फोल्डर बना करके अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पर मैंने अपने फ़ोन का जो डाटा है, मैं यहाँ चला गया ओप्पो F17, यहाँ पर चला गया मैं अपने इंटरनल स्टोरेज में DCIM, और इसके अंदर ये अपडेट का ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने सेव किया हुआ है, ये देखिए ये रहा रिकॉर्डिंग। मैं यहाँ से Ctrl+C कॉपी करके और यहाँ पे डेस्कटॉप पे Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने फिल्मोरा ओपन किया, और अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ उस आवाज़ को जो मैंने अपने फ़ोन से रिकॉर्ड किया था। तो यहाँ पर ये डेस्कटॉप पे दिया हुआ है, ये रहा, मैंने इस पर क्लिक किया, ये आ गया फिल्मोरा के अंदर। इसे यहाँ पे कर देता हूँ मैं इंपोर्ट, मैं इस पर क्लिक करके और यहाँ से डाल देता हूँ मैं वॉइस वाले ऑप्शन में। दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्डिंग के अंदर बहुत सारी यहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है यहाँ पर, तो जो भी मिस्टेक्स है कैसे यहाँ पे कट करते हैं आप लोगों को पता ही है कि सिर्फ यहाँ पर जो भी मिस्टेक है वहाँ पर इसे कट करेंगे, और जहाँ तक मिस्टेक है वहाँ जा करके उसे भी कट करेंगे और बीच से कर देंगे डिलीट। तो जो भी यहाँ पर मेरी रियल आवाज़ है मैं वीडियो के ऊपर यहाँ पर सेट कर देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर जाता हूँ स्टार्टिंग में, और यहाँ पर आवाज़ को मैं कर देता हूँ फुल, ये देखिए, ताकि वीडियो में आवाज़ ज़्यादा हो। और यहाँ पर मैं प्ले करता हूँ। अगर फोन आया कि घर पर बहुत ही अर्जेंट काम है जल्दी आ जाओ, तो मैंने कहा ठीक है आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया हमारा। मैं यहाँ से कर देता हूँ कट वीडियो ऑडियो को, और यहाँ पर इस वीडियो को हटा देता हूँ। इसके बाद मैं पहुँचा घर, ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ। इसके बाद मैं घर पहुँचा, तो उस आवाज़ को मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि वो कहाँ पर है। यहाँ से यहाँ तक ये वॉइस ख़राब है, तो इसे मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने कट कर दिया, और यहाँ पर ये जो वॉइस है, जैसे मैं वहाँ पर उनके घर पर पहुँचा, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर मैं उनके घर पर पहुँचा, देखिए यहाँ तक ही हो गया, मैं उनके घर पर पहुँचा, और इसे भी कर देता हूँ मैं कट। और इसके बाद मुझे वहाँ पे कुछ खाने के लिए मिला, तो वो मैंने यहाँ पे कहाँ पे बोला हुआ है उसे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो पूरी आवाज़ बेकार है, तो इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे कट। और जो मैंने आगे वीडियो में रिकॉर्ड किया हुआ है वो चीज़ मैंने यहाँ बोला है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे प्ले करके और यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो मुझे चाय मट्ठी मिला, मैंने वहाँ पे चाय मट्ठी की, देखिए, और यहाँ से इसे कर दिया मैंने कट। तो अब यहाँ पे जो मेरा वीडियो है इससे मैंने वॉइस ओवर कर दिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। अगर फोन आया कि घर पे बहुत ही अर्जेंट काम है जल्दी आ जाओ, तो मैंने कहा ठीक है आ रहा हूँ। फिर मैं उनके घर पे पहुँचा, तो मुझे चाय मट्ठी मिला, मैंने वहाँ पे चाय मट्ठी खाया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने सिर्फ यहाँ पे वीडियो एड किया था, और उसके ऊपर मैंने फोन से आवाज़ रिकॉर्ड करके और जो भी गलतियाँ थी उसके अंदर मैंने यहाँ पे फिल्मोरा सॉफ्टवेयर का यूज करके कट कर दिया, और यहाँ पे वीडियो के ऊपर मैंने वॉइस ओवर कर दिया। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फिल्मोरा सॉफ्टवेयर के अंदर वॉइस ओवर कैसे करते हैं, और वीडियो के अंदर भी वॉइस ओवर कैसे करते हैं। तो अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, तो अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मोबाइल से वॉइस ओवर कैसे करते हैं मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। दोस्तों इस तरीके से आप भी वीडियो बना करके यूट्यूब अपलोड करके घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, लेकिन कमाने के लिए पहले आपको स्टार्ट करना होगा, तभी आप कमा पाएंगे। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, थैंक्स।